अब हम सीलिंग फैन को वेंडिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसे वार्निश करते हैं, तो हमें वार्निश कौन सी यूज करनी चाहिए? तो दोस्तों मार्केट में कई प्रकार की वार्निश आती है, एक तो पैकेट में आती है और एक बोतल में आती है, और एक तो कंपनी की होती है, एक लोकल होती है। सीलिंग फैन में मेरा मानना यह है कि हमेशा लोकल वार्निश है जो वही यूज करनी चाहिए, क्योंकि जो सीलिंग फैन का नंबर होता है तार का, वो बहुत पतला होता है, इसमें अगर हम गाढ़ी वार्निश डालेंगे तो वो इसके अंदर में नहीं जा पाएगी। तो हम हमेशा है जो पतली वार्निश यूज करते हैं बिल्कुल, और लोकल वार्निश। मोटर में हमें हमेशा बढ़िया वार्निश डालनी चाहिए, क्योंकि उसका नंबर है जो मोटा होता है, अगर हम उसमें पतली वार्निश डालेंगे तो वो पूरा वार्निश है जो नीचे चला जाएगा, वो उस पर रुक नहीं पाएगा। सीलिंग फैन में है जो बिल्कुल लो क्वालिटी का तो नहीं कह सकते, मतलब पतला वार्निश हो बिल्कुल पानी जैसे, ये देखिए बिना बोतल दबाए ही उसे गिरना चाहिए बोतल से। और हमेशा जो अगर आपके पास काम कम आता है तो वार्निश हमेशा कम लीजिए, छोटा बोतल लीजिए, बड़ा बोतल है जो जम जाता है। और ये देखिए ये एक लोकल क्वालिटी का वार्निश है जिसमें कोई छोटा सा एक टैग रहता है, ये बोतल हमें है जो 60 रुपये में मिला है और हमारे यहाँ इतने का मिलता है, तो हम यही पंखों में यूज़ करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।